सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे, सभी क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ें। क्या क्यों अभी कुछ चेंजिंग होगा, कल से हो जाएगा। हाँ, एक से दो SMS आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि -1 1 में जो अंतराल है ना -1 1, इसमें फलन f इस प्रकार परिभाषित है, मतलब इसमें जो फंक्शन दे रखा है वो है अपने पास x² + 3x। तो सिद्ध कीजिए ε > 0 के लिए डेल्टा का मान ज्ञात करिए, जबकि देखो आपको दे रखा है, जबकि मतलब हमें क्या डेल्टा का मान ज्ञात करना है, जबकि x2 - x1 < δ के लिए mod f(x2 - f(x1 > ε हो। ओके, ये हमें प्रूफ करना है, सॉरी ये दे रखा है, इसकी हेल्प से हमें डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तरीका सेम पहले की तरह, संतति की कोसी की परिभाषा कह दो, या फिर इस कंडीशन को लेकर के चलोगे 0 < δ = 1 के लिए, इसके लिए, और सेम वही डेफिनेशन है यहाँ, x2 और x1 दो पॉइंट है बस, इन पॉइंट्स के लिए डिस्कस करेंगे। और ये जो x1 x2 है ना, ये कंडीशन लेकर के चलो x2 - x1 का मापांक वो है < δ। अब mod f(x2 - का f(x1 बराबर f(x2 का मतलब है इसमें, इस फंक्शन में x की जगह x2 लिख दो, तो ये बनेगा x2² + 3x2। ओके, और माइनस का आप x1 रखोगे तो ये बना x1² + 3x1। x1² + 3x1 इक्वल में ये x2² - x1² + 3, दोनों में से कॉमन x2 - x1। आप इसको a + b a - b लगाएं तो ये बनेगा x2 - x1 * x2 + x1 और प्लस का 3x2 - x1। पूरे में से x2 - x1 कॉमन ले सकते हैं, x2 - x1 को अगर कॉमन लिया जाए तो ये बना यहाँ से x2 + x1 और प्लस का 3। ओके, अलग अलग करें तो mod x2 - x1, फिर बनाइए x2 - + x1 और प्लस का 3। इसको भी लिख सकते हो ln में x2 - x1 की वैल्यू डेल्टा, और फिर है ये x2, इसमें एक x1 जोड़ दिया और एक x1 घटा दिया, फिर से इसको लिख सकते हो ln में डेल्टा, इसको अलग अलग करेंगे तो ये बना mod x2 - x1 + 2x1 + 3, और ये भी लिखा जा सकता है डेल्टा x2 - x1 की जो वैल्यू है वो है डेल्टा की वैल्यू मैक्सिमम 1 प्लस, इस मापांक को भी अलग अलग करें तो 2x1 + 3, यानी ये बना यहाँ function of x2 - function of x1 > δ और यहाँ देखिए आप 1 + 2 × x1 की वैल्यू है वो 1 होगी अधिकतम, mod x1 की जो वैल्यू होगी देखिए x इस अंतराल में से लिया गया है, ये अंतराल है ऑलरेडी -1 और 1 के बीच में ना, तो x1 का जो मापांक होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो जाएगा,
अन्यथा जीरो हो सकता है, कम से कम तो कितना भी हो सकता है, लेकिन क्या ये ग्रेटर देन में है ना, तो आप कितना है मैक्सिमम में, मोड एक्स वन की वैल्यू जीरो। देखिए मोड एक्स वन की जो वैल्यू होगी ना वो क्या अधिकतम अधिकतम एक होगी, क्योंकि माइनस एक का मापांक लोगे तो भी प्लस एक आएगा और एक का मापांक लोगे तो भी एक आएगा, तो हमने इसीलिए यहाँ एक लिख दिया है। तो ये बन गया यहाँ तीन और दो पाँच और एक छः डेल्टा, छः डेल्टा। तो यानी इसको आप लिख सकते हो मोड एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन लेस देन में सिक्स डेल्टा को आप एप्सिलॉन मान सकते हो, जहाँ एप्सिलॉन इक्वल टू किसको मान लिया सिक्स डेल्टा, या फिर डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन बाई सिक्स। अतः डेल्टा की जो वैल्यू बनती है ना वो जितना भी छोटा हो मिनिमम ऑफ वन कॉमा एप्सिलॉन बाई सिक्स, वन कौन सा है वन, यहाँ ये डेल्टा की वैल्यू अधिकतम एक हो सकती है ना, तो इसमें वन और एप्सिलॉन बाई सिक्स में से जो भी छोटा होगा एप्सिलॉन बाई सिक्स होगा ना, तो ये डेल्टा की वैल्यू हो गई। अतः आप लिख सकते हो यहाँ लिख सकते हो आप कि मोड एक्स टू माइनस एक्स वन लेस देन डेल्टा के लिए, डेल्टा के लिए मोड एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन लेस देन एप्सिलॉन होगा, तब डेल्टा बराबर होगा एप्सिलॉन बाई सिक्स। ओके ये रहा इसका थर्ड जो प्रॉब्लम थी आज की। अब अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो बताएं, ये तीनों क्वेश्चन आपको एक साथ कराए इसीलिए हैं क्योंकि सभी प्रॉब्लम्स आपकी क्लियर हो जाएं। अब देखो आपको आगे कुछ थ्योरम्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और अब आपकी अगली एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, लेकिन अगर फिर भी किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो कंफर्म कराएं, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो। किसको समझने की कह रहे हो, सेकंड वाला कौन सा भाई, जो दूसरा पार्ट है कुछ नहीं किया हमने, देखिए एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन लिखा है उधर, फिर ये लाइदन में डेल्टा और यहाँ वन प्लस टू मोड एक्स वन की वैल्यू है ना, मोड एक्स वन की वैल्यू, क्योंकि एक्स वन और एक्स टू है ना वो सब इस अंतराल में से लिए गए हैं और ये अंतराल है ना इसकी अधिकतम वैल्यू एक हो सकती है बस, क्योंकि माइनस एक और एक के बीच में, माइनस एक और एक के बीच में बड़े से बड़ा मान क्या हो सकता है, कोई भी एक हो सकता है बस। तो हमने क्या किया यहाँ मोड एक्स वन की वैल्यू है ना वो एक लिख दी है, दो गुणा एक प्लस का तीन, दो गुणा एक और प्लस तीन, तो ये तीन और दो पांच और एक छह बन गया ना, छह डेल्टा, इस छह डेल्टा को एप्सिलॉन माना, एप्सिलॉन इस छह डेल्टा की जगह माना है ना, तो यहाँ से डेल्टा निकालोगे तो एप्सिलॉन बाई सिक्स। तो अब हम डेल्टा की वैल्यू की बात करें तो ये मिनिमम होगी एप्सिलॉन बाई सिक्स, और ये जो डेल्टा है ना यहाँ डेल्टा जो वन है इन दोनों में जो भी छोटा मान होगा तो छोटा तो हमेशा एप्सिलॉन बाई सिक्स ही होगा, एक तो बहुत बड़ी संख्या है और एप्सिलॉन तो क्या बहुत छोटी है, उसमें छह का भाग दें तो और भी छोटी होगी ना, यानी एप्सिलॉन बाई सिक्स बनेगा। ओके अब देखिए एप्सिलॉन बाई सिक्स ये डेल्टा का मान हो गया, तो क्वेश्चन में तो हमसे इतना ही पूछा है कि डेल्टा का मान ज्ञात करो, तो ये डेल्टा का मान हो गया। ओके क्वेश्चन नंबर तीन का पांच और तीन आठ, दीपक गोयल, क्वेश्चन नंबर तीन का आठ, ठीक है सभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का आठवां भाग। क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर तीन का आठवां भाग है ये, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए जीरो जब एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स नॉट इक्वल टू ए,
तो आपको एक्स इक्वल टू ए पर, एक्स इक्वल टू ए पर इसके सांतत्य की जांच करनी है। तो इसके सांतत्य के लिए आप समझेंगे, अब दाई सीमा बाई सीमा और फलन का मान एक्स बराबर ए पे निकालना है ना, एक्स इक्वल टू ए पर। तो ये भी यहाँ एक्स इक्वल टू ए है, तो आप देखेंगे चूंकि एफ ऑफ ए इक्वल टू कितना है, जीरो। अब आप एक्स बराबर ए पर दाई सीमा निकालें, दाई सीमा तो आपको पता है एफ ऑफ ए प्लस जीरो निकालोगे ना, तो इसका मतलब है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। इसका मतलब लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच का मतलब है इस फंक्शन में एक्स की जगह ए प्लस एच लिखोगे तो ये बनेगा वन अपॉन ए प्लस एच माइनस ए, और कोसेक वन कोसेक यहाँ भी एक्स की जगह ए प्लस एच माइनस ए लिखेंगे, ए से ए कैंसिल, तो ये बना लिमिट एच टेंस टू जीरो वन अपॉन एच, कोसेक को अपॉन में लाएं तो ये बनेगा साइन एच। आप इसको लिख सकते हो लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये बनेगा एच स्क्वायर और साइन एच अपॉन एच। देखिए हमने क्या किया, एक एच का गुणा कर दिया, एक एच का भाग दे दिया, तो आपको पता है यहाँ एच की जगह जीरो लिखोगे, जीरो का वर्ग गुणा ये साइन एच अपॉन एच बनता है एक, कितना बन जाता है ये एक। तो अब ये बन जाएगा जीरो का वर्ग गुणा एक, जीरो आएगा, जीरो का भाग एक में दोगे अनंत आएगा। अगर आप बाई सीमा भी निकालें, बाई सीमा तो ये बनेगा एफ ऑफ ए माइनस जीरो इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस का एच। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच का मतलब है यहाँ फंक्शन में एक्स की जगह ए माइनस एच रखना है, तो ये बन जाएगा वन अपॉन ए माइनस एच माइनस ए, और कोसेक ए माइनस एच माइनस ए, यह आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, ए से ए कैंसिल, तो वन अपॉन माइनस एच और कोसेक को अपॉन में लाओगे तो ये बनेगा साइन, ए से ए कैंसिल। और ये बना यहाँ साइन माइनस का एच। आप देखोगे सेम कंडीशन बन गई ना, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन माइनस थीटा, तो माइनस बाहर आ जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये एच साइन एच वही सेम कंडीशन बन गई पहले जैसी, एच साइन एच पहले आया था जिसका कि मान अनंत निकला, तो अब भी इसका मान अनंत होगा। तो आप देखेंगे दाई सीमा बाई सीमा दोनों ही कैसे इनफाइनाइट है और फलन का मान जीरो है, तो आप ये कह सकते हैं जब अनंत आता है ना तो ये अपरिमित असांतत्य हो गया। अतः एक्स इक्वल टू ए एफ ऑफ एक्स का अपरिमित असांतत्य है, अपरिमित असांतत्य है। ओके, सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। अब बताइए कोई डाउट हो तो, और अदरवाइज आगे बढ़ते हैं फिर हम। बारहवा ठीक है, बारहवा देखिए। वैसे हमने आज आपसे एक बात और कही थी कि एक तो मोस्टर्स थ्योरम और एक तो आपको क्या है मोस्टर्स थ्योरम को पढ़ने के लिए बोला था, और एक परिबद्धता प्रमेय, ये दोनों ही थ्योरम आपसे पूछी जाती हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब ये है कि 2015 में मोस्टर्स पूछ ली, तो 2016 में परिबद्धता, फिर 2017 में मोस्टर्स, फिर 2018 में परिबद्धता, इनका एक क्रम है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 12 समझो क्या हो गया। कौन सी वाली, परिबद्धता और मोस्टर्स की बात की थी ना हमने, तो
नेक्स्ट देखिए, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू जीरो पर द्वितीय प्रकार का असान तत्व है। देखिए, जब हमने आपको असान तत्व के प्रकार के बारे में बात की थी तो द्वितीय प्रकार के असान तत्व के लिए कहा था ए पर दाई सीमा और बाई सीमा दोनों का अस्तित्व ना हो तो फलन एफ बिंदु ए पर द्वितीय प्रकार का असान तत्व कहलाता है, यानी ना तो दाई सीमा का ही अस्तित्व हो और ना ही फिर बाई सीमा का अस्तित्व हो। ओके, अर्थात दोलायमान की कंडीशन बन जाए। कैसी कंडीशन? दोलायमान की। तो आइए चेक करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 12, और ये है एक्स इक्वल टू जीरो पर, एक्स इक्वल टू जीरो पर फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है आपको ई की पावर वन अपॉन एक्स और साइन वन अपॉन एक्स, कंडीशन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और ये है जीरो जब एक्स इक्वल टू जीरो। ओके, तो आपको द्वितीय प्रकार का असान तत्व बताना है। द्वितीय प्रकार का असान तत्व बताने के लिए आप लोगों को बता दें कि इसमें द्वितीय प्रकार का असान तत्व बताने के लिए दाई सीमा और बाई सीमा दोनों क्या है, इसका दोनों का अस्तित्व ना हो। अस्तित्व ना हो का मतलब है दोलायमान जैसी कोई कंडीशन आ जाए। अब देखिए, इसमें एक्स इक्वल टू जीरो पर फंक्शन का जो मान है वो है जीरो। अब आप दाई सीमा निकालेंगे, दाई सीमा तो ये बनेगी एफ ऑफ जीरो प्लस एच, सॉरी एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच, यानी यह बन जाएगा एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये हो जाएगा एफ ऑफ जीरो प्लस एच। का मतलब है फंक्शन में जहाँ जहाँ एस एक्स है उसकी जगह एच लिखना है, ई की पावर एच साइन वन अपॉन एच। ओके, अब आप लिमिट लगाओगे, एच की जगह जीरो लिखोगे, ई की पावर वन अपॉन जीरो, और साथ में यहाँ जीरो लिखोगे तो माइनस एक व एक के मध्य दोलायमान, माइनस एक व एक के मध्य दोलायमान। तो आप देखेंगे ई की पावर अनंत बनेगा, ई की पावर अनंत अनंत होगा तो ये अनंत बन गया, क्या हो गया ये अनंत। ऐसे ही क्या है दूसरी वैल्यू निकालोगे, अच्छा सॉरी इसमें वन अपॉन सॉरी इसमें अभी क्या है कंडीशन है कुछ और, अपॉन में वन प्लस ई की पावर वन बाई एक्स, और अपॉन में वन प्लस, देखिए यहां है अपॉन में वन प्लस ई की पावर वन बाई एक्स, तो एक्स की जगह क्या है एच लिखना है ना आपको। अब देखो इसमें ई की पावर वन अपॉन एक्स ही है ये, तो आप क्या करोगे अगर यहाँ लिमिट लगाएं, ये अनंत बनेगा ये भी अनंत बनेगा, तो कोशिश करते हैं कि इन दोनों को कॉमन ले लिया जाए, लिमिट एच टेंस टू जीरो, जैसे ही कॉमन लोगे यहाँ से तो ये ऊपर बनेगा साइन वन बाई एच, लेकिन नीचे से जब कॉमन लेंगे ई की पावर तो ऊपर वाली ई की पावर खत्म हो जाएगी, तो यहाँ जैसे ई की पावर वन अपॉन एच का एक में भाग देंगे तो ई की पावर माइनस वन अपॉन एच बनेगा और प्लस का वन। अब आप ऊपर देखेंगे तो माइनस एक व एक के मध्य दोलायमान, माइनस एक व एक के मध्य दोलायमान, लेकिन ई की पावर माइनस, देखो एच की जगह जीरो लिखोगे तो एक बटे जीरो अनंत होगा, ई की पावर माइनस अनंत बनेगा, ई की पावर माइनस अनंत जीरो होता है, जीरो प्लस वन वन आएगा ना, नीचे एक आया, ऊपर है माइनस एक व एक के मध्य दोलायमान, तो एक का भाग दो ऊपर तो उतना ही बना रहेगा ना, माइनस एक व ओके एक, तो ये हो गया। अभी ऐसे ही क्या करेंगे आप बाई सीमा के बारे में डिस्कस करेंगे, बाई सीमा के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये तो दाई सीमा निकाली अब आपने, अब बाई सीमा निकालें। बाई सीमा के लिए तो ये है बाई सीमा के लिए एफ ऑफ जीरो माइनस जीरो इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस का एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच का मतलब है इसमें ई की पावर माइनस वन अपॉन एच हो जाएगा ना, अरे जीरो माइनस एच मतलब माइनस एच, एक्स की जगह माइनस एच लिखना है, और ये बनेगा साइन माइनस वन अपॉन एच अपॉन में
वन प्लस ई की पावर माइनस वन बाई एच। जब आप लिमिट लगाओगे तो ये तो दोलायमान होगा लेकिन ये बनेगा जीरो, और नीचे वन प्लस का ये भी जीरो होगा, तो ओवरऑल ये क्या है, जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। आप देखेंगे इनमें से कोई एक लिमिट क्या है, अस्तित्व तो नहीं है ना, इनमें से किसी एक लिमिट का अस्तित्व तो नहीं हो, तो ये इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, द्वितीय प्रकार का अशांत तत्व। इसको आप लिख सकते हो कि ये द्वितीय प्रकार का अशांत तत्व है। ओके, देखिए द्वितीय प्रकार का अशांत तत्व होने के लिए ए पर दाईं सीमा तथा बाईं सीमा दोनों का अस्तित्व ना हो, तो इस कंडीशन में द्वितीय प्रकार का अशांत तत्व कहलाता है। लेकिन हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है सिद्ध कीजिए कि एक्स बराबर जीरो पर द्वितीय प्रकार का अशांत तत्व है, तो इसका मतलब दोनों का अस्तित्व ना हो, तो इसमें दोनों का अस्तित्व ना हो की कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि आपने देखा यहाँ एफ ऑफ जीरो माइनस जीरो लिखोगे बाई सीमा के लिए, एफ ऑफ जीरो माइनस एच हो गया, यानी आपको इसमें एक्स की जगह माइनस एच लिखना है, माइनस एच लिखना है, ये दोलायमान बनेगा और ये बनेगा वन प्लस ई की पावर माइनस वन अपॉन एच। ओके, अगर आप कहें कि ई की पावर माइनस वन अपॉन एच कॉमन लें तो यहाँ ई की पावर वन अपॉन एच प्लस में बनेगा, यानी ये अनंत बन जाएगा, फिर अनंत प्लस वन अनंत होगा, अनंत का फिर भी ये जीरो ही बनेगा, तो यानी आप ये कह सकते हो ये द्वितीय प्रकार का अशांत तत्व नहीं है फिर, ठीक है ना, एक लिमिट का अस्तित्व नहीं हो, यहाँ पे क्या है, एक लिमिट का अस्तित्व नहीं है। तो आपने जितने भी पढ़े थे उनमें आपने पढ़ा था कि किसी बिंदु ए पर या तो दाईं सीमा या बाईं सीमा में से केवल एक ही विद्यमान एवं परिमित हो तो अशांत तत्व मिश्रित अशांत तत्व कहलाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या है, इसको मिश्रित प्रकार का अशांत तत्व कह सकते हैं। ओके, तो ये नहीं कहोगे कि ये द्वितीय प्रकार का अशांत तत्व है। हाँ, मिश्रित होगा। ठीक है ना, इसको आप मिश्रित प्रकार का अशांत तत्व कह दोगे, द्वितीय नहीं कहोगे, देख सकते हैं आप। हाँ, जो कि मिश्रित प्रकार का अशांत तत्व है। या ऐसे कह सकते हैं, अतः एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए मिश्रित प्रकार का अशांत तत्व है। तो बस आज की इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट अगली मीटिंग में डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप क्या है कि परिबद्धता प्रमेय को और मोस्टर्स प्रमेय को पढ़ के आएंगे दो दो बार कम से कम। ओके, आज की इस मीटिंग में बस इतना ही।